बल्लभगढ़ शहर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करते हुए नकली टाटा नमक और टॉयलेट क्लीनर हापी का जखीरा पकड़ा। सीएम फ्लाइंग अधिकारी रमेश दत्त ने सप्लाई करने वाले ऑटो चालक को बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के सामने से पकड़ा और सीएम फ्लाइंग ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल यह मामला आदर्श नगर थाने का है। अधिकारी ने बताया कि बीते दिन उनकी पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा के साथ मीटिंग हुई थी। मीटिंग में पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने ऐसे लोगों की कार्रवाई के आदेश दिए। फिलहाल तीनों आरोपी और नकली टाटा नमक का जखीरा आदर्श नगर थाने पुलिस अधिकारियों के गिरफ्त में है। अधिकारी ने बताया कि उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। पूछताछ के बाद ही पता लग पाएगा कि आरोपी नकली माल को कहां कहां सप्लाई करते थे। कहां से? मैं रमेश दत्त, डायरेक्टर स्पीड नेटवर्क चंडीगढ़। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन सी कि साडा जो ब्रांड है टाटा हिंदी साल्ट, इसके नाम से और हार्पिक के नाम से काफ़ी बड़े लेवल पे जो है फतेहाबाद में डुप्लीकेट साल्ट तैयार हो रहा है और सप्लाई हो रहा है। मैं कल माननीय कमिश्नर साहब से मिला था, उनको एक लिखित आवेदन दिया था। आज आदर्श नगर पुलिस स्टेशन को लेके हम लोगों ने 4 लोकेशन पर जगह रेड की है। पुलिस पार्टी ने रेड की साथ में थे, एक तो सप्लायर पकड़ा है और उनकी गाड़ी वगैरह भी पकड़ी है। उसके अलावा एक पर्सन जो मेन मार्केट में सप्लाई करता है उसको भी पकड़ा है। ऐसे 2 और लोकेशन हैं जहाँ भी रेड की है, काफ़ी बड़े लेवल पर जो नमक और हार्पिक जो है मिला है। तो सर टोटल मिलाकर कितने जगहों पर रेड हुई और इसमें कितने लोग जो है अब तक पकड़े जा चुके हैं? सर एक गाड़ी पकड़ी है, लोडिंग पूरी जो माल की भरी हुई गाड़ी थी। तो देन उसके अलावा हम लोगों ने यहीं पे 2 लोकेशन पे की थी जहाँ पड़े हैं ये यहाँ पे 70-80 बैग से जो है 700-800 टाटा नमक की थैलियाँ और हार्पिक पकड़े इनसे भी। एक ऐसे ही और हैं पर्सन, वो भी सप्लायर हैं, उनसे भी काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में हमने टाटा नमक और हार्पिक पकड़ा। ऐसे एक गाड़ी जो है लोडेड है टाटा नमक की, वो भी पकड़ी और 3 लोकेशन पे हमने जो है किया और 4 लोगों को फिलहाल हम लोग अरेस्ट करवा। चैक पत्ती का भी जहाँ पर जो जिक्र आ रहा है उसको लेकर क्या कुछ एक्चुअली चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मान जो कमिश्नर साहब से हम फिर मिलेंगे, अभी थोड़ा मार्केट में सर्वे भी करेंगे, पता लगाएंगे जहाँ जहाँ इलीगल एक्टिविटी होती है तो उनके अंदर है पुलिस पार्टी को साथ लेकर हम कार्रवाई करवाएंगे। एक महिला भी इसमें पूरे मामले में है, वो महिला का क्या कुछ है? इसमें महिला कोई नहीं है एक्चुअली, ये 4 लोग जो जेंट्स हैं, सबसे पहले तो सप्लायर है जिसकी गाड़ी भी पकड़ी और मटेरियल को भी पकड़ा है और एक आदमी जो सप्लाई करने वाला है उसको भी हमने पकड़ा है पुलिस पार्टी ने 2 लोग। तीसरी हम जिस लोकेशन पर खड़े हैं इसके भी ऑनर को हमने अरेस्ट किया, यहाँ से भी हार्पिक और नमक मिला है। एक 4th लोकेशन और भी है, वो भी सप्लायर है, उसके पास से भी हमने काफ़ी नमक पकड़ा और हार्पिक वगैरह पकड़ा। कितनी क्वांटिटी में? 4 मिला के सर काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, अभी बताना मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे है, उसकी काउंटिंग की जाएगी और फिर बहुत सारी क्या लगता है सर इसके बाद भी और भी फरीदाबाद में ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे बड़ी बात है कि सर जो नमक होते हैं ये खाने पीने वाली वस्तु है, हमारे अपने ही नुकसान है क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। कमिश्नर साहब को जैसे भी हमने बताया तो उन्होंने तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमें टीम का जो है आदर्श नगर पुलिस स्टेशन दे दी उन्होंने। तो इससे आम जो है सेहत का भी काफ़ी तलवाड़ा है, बॉन्स का काफ़ी तलवाड़ा है कि जो नमक असली कंपनी का होता है और ये डुप्लीकेट नमक तो 5-4 रुपये का थैली आती है, कंपनी का नमक जो 24 रुपये का है, तो आप आइडिया लगाइए कि इसके अंदर डाला क्या होता है, ये काफ़ी बड़ा नुकसान है। तो फिलहाल क्या कार्रवाई इन पर? कार्रवाई सर के खिलाफ 63 कॉपीराइट और 420 का मुकदमा दर्ज होगा, हमने आवेदन दे दिया हुआ है माननीय तहसील साहब। तो आगे भी इस तरीके के आपके जो है? हाँ जी, हमारी टीमें सर जो है स्पीड नेटवर्क चंडीगढ़ से पूरी इंडिया लेवल। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।